लीजिए। शुक्रिया भैया। संभल के जाना। हाँ प्रॉब्लम नहीं तो फिर यहाँ क्यों छुपी हो? उस दिन क्लासरूम में किताब के पीछे मुंह छुपाकर मुझे देख रही थी और आज यहाँ पर भी वही हरकत कर रही हो। अरे ओके, वो आपको मैंने देखा तो। हाँ देखा तो वो कुछ नहीं। शो अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछ सकती हूँ? आप बहुत बड़े गुंडे हैं ना? गुंडा? वो हैदराबाद में झगड़ा हुआ था। हाँ वही सोच रहा था, ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। गुंडा नहीं हूँ मैं, उन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा था इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। गलत है क्या? नहीं, मुझे हाथ उठाकर मारना भी आता है और हाथ जोड़कर इज्जत देना भी आता है, हाथ बढ़ाकर दोस्ती करना भी आता है, लेकिन ये हर कोई नहीं समझता। पर ये बात मैं समझ गई। समझ कर क्या कर लोगी? समझ कर दोस्ती करना चाहती हूँ। विल यू बी माई फ्रेंड? आई एम विद्या। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सॉरी, इट्स ओके। विद्या, हाय महेश। शैल वी गो? जस्ट अ मिनट। बाय चंदू। विद्या, ये कौन है? अच्छा वो मैं। वो मेरा बहुत खास दोस्त है और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो इस शहर में वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरी जान है। Really, he's everything to me. Okay, bye. मैं तुम्हारा कब से बैठा हूँ? Let's go. Hi, darling. Please. Hey. वो कौन है? अच्छा वो क्या, विद्या का लवर लगता है। कभी कभी कॉलेज में ड्रॉप करता है और कभी कभी पिकअप। दोनों फिल्म भी साथ में जाते हैं, अक्सर रात को हॉस्टल में मिलने भी आता है। या क्या बात है मामा, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? उसने बस इतना कहा कि खास है, उसे लवर तो नहीं कहा ना? ऐसा कुछ नहीं बोली, लेकिन बोली कि इस शहर में यही एक मेरी जान है। इसका क्या मतलब होता है? देखो मामा, तुम भी जरा सोच के देखो ना, मेरी बहन के लिए मैं उसकी जान हूँ, हो सकता है उसका भी कुछ यही सीन हो। फिर भी जो वो बोली मेरी समझ में कुछ आया नहीं। तुम प्यार करते हो ऐसा कह देते तो वो ऐसा नहीं कहती ना। अब मैं क्या करूँ? ओहो, अब ये भी हमें ही बताना होगा। बाबा छोटू लाल की बात ध्यान से सुनो। उसके पास जाकर सुबह तुम्हारे साथ गया हुआ लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था, ऐसा झूठ बोल दो। याने? अगर वो सच में इस लड़की का लवर होगा तो इसे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आए तो वो गेट आउट हो जाएगा और तुम गेट इन हो जाओगे। इतना सिंपल है क्या? तो फिर मैं कल ही जाकर करता हूँ फिटिंग।
कल करे सो आज कर, अभी उसके हॉस्टल में जाओ और उसे बता दो, नहीं तो कोई दूसरा आकर उसे उड़ा कर ले जाएगा। नहीं, वार्डन है। वार्डन ना, उसे तो चुटकी में पटा सकते हैं। ए, अरे यार, बता तो सही क्या हुआ। ए, हुआ यू मैन, उसे क्या शर्माती है, चल। नहीं मैं नहीं आऊंगा। एक्सक्यूज मी। यस। मेरी आंटी से मिलना है। काम बोलने का। मुझे अंदर एक फ्रेंड से मिलने की परमिशन चाहिए। नो, विजिटिंग आवर खत्म हो गया। ये बताने वाली आप कौन है? मैं कौन हूँ? मैं इधर का वार्डन मैरी। नो, आई कांट बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बट व्हाई? आप आंटी हैं? मैं नहीं मानता। लुक एट यू, यू आर सो यंग। आई एम सॉरी, अगर मुझे पता होता कि आप ही मेरी हैं तो आंटी तो बिल्कुल नहीं कहता। यू आर रियली गॉर्जियस। इज इट? ऑफ कोर्स। क्या ब्यूटी है, ऑन ड्यूटी है। अगर आप बुरा नहीं माने तो आपकी एज 16 इयर्स होगी। नो नो, 18। ए, झूठ मत बोलिए मुझसे। 16। ठीक है, सच बता दूं, 17 एंड अ हाफ। जानता था, मुझे पता था, आप तो मुझसे भी छोटी हैं। ए, क्या कह के बुलाऊं आपको? तुम चाहो तो मुझे छोटी बहन बोल सकता है। बहन जी? भैया। बहन जी, आगे से कोई आपको आंटी कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। I'll feel bad. It's insulting, you know. तुम कितना अच्छा है। बहन जी, क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? Oh, why not? तुम अंदर जाने को सकता। Thank you, बहन जी. Okay. क्या हुआ आंटी? Oh, don't call me auntie. Call me sister. Hi, handsome. Hi, Salman. I love you. I love you so much. I love you, Salman. I love you so much. Hi. Ye dil deewana. Keep waiting for you to come. Yes. ये क्या कर रही हो? मेरे रूम को बार बना दिया है। वार्डन ने देख लिया तो क्या कहेगी? तुम्हारे रूम को वार्डन चेक नहीं करती, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करो और निकलो यहाँ से। Hey, come on. You try it. चीची, at least taste the chicken. Chicken? हाँ. No. भगवान ने आहार के हमें कितने साधन दिए हैं, तरकारी, टेस्टी फ्रूट्स और अन्य भी तो दिया है, इतनी सारी चीजें दी है, फिर भी एक प्राण को खाना, इसे एंजॉय करना राक्षस के लक्षण है। ये पाप है, अब इसका भी तो हमारी तरह एक जीवन था। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय चंदू, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? परमिशन लेकर आया हूँ। लेकिन क्यों? तब तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। जरूरी बात? वो तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो जो तुम्हें कॉलेज से पिकअप और ड्रॉप करता है, उसे उसे क्या? उसे मैंने शाम को किसी दूसरी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा। लेकिन तुम किसके साथ गए थे? मैं किसी के साथ नहीं गया था, मैं तो वहाँ अकेला ही गया था। हाँ, लेकिन मैंने उसे किसी और के साथ देखा। लगा वो तुम्हें धोखा दे रहा है तो मन में आया कि उसे उठाकर तोड़ दूं, लेकिन फिर मैं पीछे हट गया। वो दूसरी लड़की के साथ है, मतलब उसने मुझे धोखा दिया है क्या? हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या? अगर एक लवर किसी दूसरी लड़की के साथ गया तो ये धोखा है, लेकिन अगर एक भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाए तो इसे तो धोखा नहीं कह सकते ना। क्या भाई? और नहीं तो क्या, वो मेरा कजिन है, इसी शहर में रहता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बिरादर? हाँ। भाई साहब, भैया जी है ना, इस शहर में मेरी जान है। बाय।